इस वक्त की काफ़ी बड़ी खबर, कोरोना वायरस एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कोरोना के साथ साथ एस3 N2 वायरस भी काफ़ी तेज़ी से अब यहां पर अपने कदम फहराने लगा। आपको बता दें कई राज्यों में एस3 N2 वायरस के साथ साथ कोरोना वायरस के केसों में अचानक इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं स्कूल और कॉलेज पर भी एस3 N2 और कोरोना का नया खतरा आ चुका है। एस3 N2 के केसों में भी दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं PM मोदी ने बुला ली है काफ़ी बड़ी मीटिंग। एस3 N2 काफ़ी तेज़ हो रहा है, वहीं कोरोना के केस भी बीते एक हफ्ते से दोगुनी रफ्तार से सामने आने शुरू हो चुके हैं। खांसी जुकाम बुखार के रूप में एस3 N2 वायरस अब फिर से फैलना शुरू हो चुका है। कोरोना के केसों में दर्ज की गई है तेज़ी, फिर से सभी राज्यों ने जारी कर दी है चिट्ठी। 2 गज की दूरी अब सबके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। कोरोना के बाद एक नया खतरा एस3 N2 के केसों में आ चुकी है, काफ़ी बड़ी लहर। आपको बता दें एक बार फिर से नई लहर में केसेस दोगुनी रफ्तार से केस बढ़ने के कारण खतरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्कूल कॉलेज परीक्षा, इन पर नया खतरा कोरोना और एस3 N2 वायरस के रूप में सामने आता हुआ। एस3 N2 के केसों में अचानक काफ़ी तेज़ी देखी गई। मास्क लगाना जरूरी।